हाय गाइस, जय माता दी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश नारियल की बर्फी। ये एकदम झटपट से बनने वाली है और व्रत में भी हम खा सकते हैं, और जब हमारी इच्छा हो मीठा खाने की तो ये तुरंत बनाकर हम खा सकते हैं। तो चलिए इसकी सामग्री देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो नारियल लिए हैं फ्रेश, इसको क्रश किया है। एक कप शक्कर ली है, आधा कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप फ्रेश मलाई ली है। अब यहाँ मैंने नारियल को मिक्सर में से क्रश कर लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस से भी किस सकते हैं नारियल। अब हम करेंगे गैस ऑन और रखेंगे एक पैन गरम होने के लिए, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध घी, और क्रश किया हुआ नारियल हम इसमें लो फ्लेम पर भूंज लेंगे। ये सभी नारियल मैं इसमें डाल दूंगी, और लो फ्लेम पे अच्छे से इसको चलाते हुए हमें भूंज लेना है। जब भूंजते इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब हमें इसमें ऐड करना है फ्रेश मलाई। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम मलाई मिक्स कर देंगे। हमें नारियल को इसलिए भूंजना है थोड़ा, क्योंकि ये फ्रेश नारियल है, ये गीला रहता है, इसका थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जो है हमें वो सुखा लेना है। अब मिक्स करेंगे अच्छे से मलाई। मलाई मिक्स करते हुए इसको अच्छे से चला लेंगे हम। इससे काफ़ी टेस्ट आ जाता है फ्रेश मलाई से। अब इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 कप शक्कर और या 1/4 कप शक्कर बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब शक्कर पानी छोड़ चुकी है आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर मिक्स कर देंगे, और इसको भी मिक्स करते करते अच्छे से भून लेंगे, ताकि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर आ जाए और हमारे जो बर्फ़ी बनेगी वो काफ़ी टेस्टी बनेगी। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर शक्कर मलाई और नारियल। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा। अब मैंने यहाँ पर ट्रे पर घी का हाथ लगा लिया था। अब इसमें हम सब ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा जो मिश्रण है नारियल का, और इसको हम फैला लेंगे। तो ये बहुत झटपट और अच्छी लगती है खाने में, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। फैमिली फ्रेंड के साथ ये रेसिपी शेयर करना, और मयूरी होम कुकिंग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन दबाना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब इसको कटोरी की सहायता से हम अच्छे से टैप टैप कर लेंगे। अब इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ इस पर। अब इसको भी हम थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे कि ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और ये गार्निश के लिए एकदम अच्छे दिखते हैं। इस तरीके से स्पैचुला सा टैप टैप करूँगी मैं। और अब इसके हम नारियल बर्फी के से पीसेस कर लेंगे। मैं यहाँ स्क्वायर में कर रही हूँ, आप चाहो तो षटकोण आकार में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये इस तरीके से, ये अब ठंडा हो चुका है तो मैं पीस कर रही हूँ। धीरे धीरे से करना है। आप देख रहे हैं कि चाकू में चिपक कर नहीं आ रहा है इस तरीके से। तो ये अब हमारी नारियल बर्फी